तो प्रोटीन का एक स्कूप आपके लिए ज्यादा बेटर है या दो स्कूप लेना या तीन स्कूप लेना? बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि यार मैं एक स्कूप लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट, बाकी मैं नहीं लेता, मैं दिन में दो स्कूप लेता हूँ, एक सुबह लेता हूँ एक वर्कआउट के बाद लेता हूँ, या मैं दिन में तीन स्कूप लेता हूँ मैं वर्कआउट के जस्ट बाद दो स्कूप लेता हूँ या डेढ़ स्कूप लेता हूँ। तो एक्चुअल में हमारे लिए बेटर क्या है, देखिए साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा, फालतू के बच्चों की नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि एक स्कूप लें, दो स्कूप लें या तीन स्कूप लें, कौन सा आपकी मसल्स के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ वे प्रोटीन से पूरी नहीं हो सकती, पहली बात। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोटीन आपको चाहिए वो सिर्फ आपको वे प्रोटीन से ही मिलेगा। देखिए सबसे पहले साइंटिफिक चीज समझते हैं, एक स्कूप दो स्कूप तीन स्कूप अलग रखते हैं। सपोज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम प्रोटीन, एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको निकालनी होगी, वो आप कैसे इजीली निकाल पाओगे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आई आइकन पे दे देता हूँ, ऊपर जाके देख लेना, बट बाद में पहले इस वीडियो को देख लो। सपोज मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम प्रोटीन, ऑलराइट। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि एक स्कूप सही है, दो स्कूप सही है, तीन स्कूप सही है, ये आता ही नहीं है पिक्चर में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वे प्रोटीन नहीं लेते, उसके बावजूद भी दे आर बिल्डिंग मसल्स, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज आप एक स्कूप लेते हैं, आप एक स्कूप लेते हैं पोस्ट वर्कआउट, और वो स्कूप आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर 25 ग्राम आपको प्रोटीन दे रहा है, राइट। अब वहां से आपको मिलगा 25, अब आपका बचा 125 ग्राम प्रोटीन, राइट। उसके लिए आप सपोज एक दिन में लेट्स से 300 ग्राम चिकन खाते हैं, 300 ग्राम चिकन, 100 ग्राम चिकन में आपको, अगर आप कुक्ड चिकन की बात करूं तो 100 ग्राम चिकन में आपको लगभग 22-24 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 300 ग्राम प्रोटीन की बात करें 22 × 44 = 66, राइट, 66 to 70 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिल जाएगा 300 ग्राम चिकन में, अगर आप पूरे दिन में खाते हैं। तो कितना, 70 ग्राम प्लस वो आपने स्कूप से लिया 25 ग्राम, कितना हो गया 95 ग्राम, राइट। अब आप 10 एग वाइट भी खाते हैं दिन में, राइट, तो 10 एग व्हाइट में लगभग आपको 3.5 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो 3.5 के हिसाब से 10 ग्राम में कितना हो गया आपका 35 ग्राम, 95 और 35 को हम ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका लगभग 95 और 35 आपका 130 ग्राम, राइट, 130 ग्राम प्रोटीन हो गया, बचा आपका 20 ग्राम। तो 20 ग्राम आप बाकी की कुछ खाने की चीज़ों से भी कर सकते हैं, लाइक आप थोड़ा बहुत अगर कोई पनीर की सब्जी खा रहे हैं, या आप सोयाबीन की सब्जी खा रहे हैं, या दाल वगैरह खा रहे हैं, रोटी में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन हो, तो कुल मिला के आपका 150 ग्राम प्रोटीन हो गया, जो कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। तो अब ये आपने मॉनिटर कर लिया है, आपका हो गया 150 ग्राम प्रोटीन जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन स्कूप आपने कितना लिया, एक। अगर सपोज आप वो 10 अंडे नहीं खा रहे, राइट, 35 ग्राम आपका कट गया, 10 अंडों 10 एग वाइट्स का आपका 35 ग्राम कट गया, तो अब आपको एक स्कूप या सवा से डेढ़ स्कूप आपको और ऐड करना पड़ सकता है। एक स्कूप में आपको लगभग मिलेगा 24-25 ग्राम प्रोटीन, आपको ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा और प्रोटीन, यानी कि लगभग आधा स्कूप सवा, आधा स्कूप के करीब, और जो आधा स्कूप आपको लगभग कितना दे देगा, 12 ग्राम प्रोटीन, राइट। तो 25 और 12 आपके कितने हो गए, लगभग 37। तो वो जो 35-36 ग्राम जो प्रोटीन आपका अंडों की वजह से आप नहीं ले पाए, तो आप उसकी जगह एक स्कूप ऐड कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मिथ कि आपको दो स्कूप लेंगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी, या तीन स्कूप लेंगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी। सिर्फ वे प्रोटीन से आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने से पड़ता है, वो आप चाहे कहीं से भी करें। अच्छे सोर्सेज वो हैं प्रोटीन के जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू किन प्रोटीन्स की हाई है, अंडों की बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है, चिकन, वे प्रोटीन, फिश, इन सब की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर जिस भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू है वो काफी अच्छा प्रोटीन माना जाता है, कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। क्यों, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इनमें प्रॉपर पूरे होते हैं, राइट। जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उसमें अमूमन जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, जो जो उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, बायो अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, वो बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो उतनी हाई नहीं होती है इन कंपेरिजन टू नॉन वेज प्रोटीन्स, राइट। गाइस आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन, आपको किसी बेस पे बता रहा हूँ, कोई फालतू की बकचोदी यहाँ पे नहीं हो रही है, राइट। तो आई होप आपको पता चला, एक स्कूप दो स्कूप तीन स्कूप इट्स जस्ट अ फालतू चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना एक स्कूप लिए भी अपनी बॉडी बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट of your protein, right? 150 ग्राम प्रोटीन है, अगर आप डाइट से पूरा कर रहे हैं, ग्रेट।
सपोज अगर आप आधा किलो चिकन खा रहे हैं राइट, तो आधा किलो चिकन में आपके 22-24 की बात करें, लेट्स 25 का एग्जांपल लेके चलता हूँ, 25, 50, 100, 125, तो चलिए 110 ग्राम तो आपको सिर्फ आधा किलो चिकन से ही प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप पूरे दिन में आधा किलो चिकन खाते हैं राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 150 ग्राम की है तो आप 110-15-20 ग्राम तो आपका चिकन से ही पूरा हो गया, बाकी का 20-30 ग्राम आपका और खाने पीने की जरूरत पूरा हो जाएगा, तो आपका 150 ग्राम पूरा हो गया, आपको वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो ही आपको वे प्रोटीन लेना है। अगर आपको कोई भी इंसान कहता है भाई दो स्कूप तेरे लिए बढ़िया रहेंगे, अगर आप सिर्फ सपोज अगर आप सिर्फ दो स्कूप खा रहे हो वे प्रोटीन के राइट, दो स्कूप में आपको मिल गया चलिए 50 ग्राम में मिल गया प्रोटीन, बाकी का कहां से लाओगे आप, बाकी का 100 ग्राम कहां से लाओगे, तो सिर्फ दो स्कूप या चार स्कूप या आधा स्कूप एक स्कूप आपको टोटल जो आपकी लिमिट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, वो फिर चाहे किसी भी प्लेन हमेशा आता है बीच में, वो फिर चाहे आप किसी भी सोर्स से लें, किसी भी सोर्स से आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें, प्रोटीन पूरा मिलना चाहिए सोर्स चाहे कोई भी हो, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होनी चाहिए उस प्रोटीन की, अच्छे सोर्स से आना चाहिए, दैट्स ऑल, कोई जरूरत नहीं है वे प्रोटीन की। ऑफ कोर्स इजी है, इजी टू यूज है, अच्छा है, बट इट्स अ सप्लीमेंट एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके डाइट से कम पड़ रहा है तो आप उसको क्विकली रिप्लेनिश कर लें, क्विकली फुल कर लें जो भी आपकी लिमिट रह गई। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो प्लीज़ यार लाइक जरूर करो करो वीडियो को और शेयर जरूर करा करो यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो एक सेकंड लगता है अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, क्योंकि ऐसी वीडियोस काम आ सकती है, लोग यार कचरा बहुत फैला हुआ हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को और बेल का आइकन जरूर क्लिक कर देना, आप लोगों ने बेल का आइकन नहीं क्लिक कर रखा है इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, और इंस्टाग्राम पे आओ मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता रहता हूँ मैं amitkmr394, फोटो डाल देता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो भी है यार, तो आओ कनेक्ट हो जाओ और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।